हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं। गाइस, तो आज के वीडियो में मैं मेरे बैड लक एंड मेरे गुड लक के बारे में बात करूंगा। ओके, तो यहां पे आप लोग सोचोगे कैसे, तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं बैड लक के बारे में। तो यहां पे एक दो दिन पहले मेरे पे एक अटैक हुआ। ओके, उसमें उसने सिर्फ 50% किया है, एक स्टार ओनली 50% एक स्टार, तो भी वो 20 ट्रॉफी ले गया। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा। ओके, 51% वन स्टार, 19 ट्रॉफी ले गया। ओके, अब आप सोचो ये दो स्टार होते हैं तो कितना ले जाता। ओके, तो मैं खुद वेल बन गया था। ओके, अब मैं वेल ढूंढता हूँ तो मैं इस बार खुद वेल बन गया था। कम से कम 45 की ऊपर की ऑफर होगी आराम से। ओके, और ये ले नहीं पाया बिकॉज वन स्टार पे 19 ट्रॉफी, तो आराम से भाई दो स्टार 70% करे, ये 75 या 80%, तो आराम से 40 प्लस इसको मिल जाती, उससे भी ज़्यादा मिलती। तो यहाँ पर मेन चीज़ तो चलो वेल तो बनते रहते हैं। ओके, लीजेंड लीग में हो तो आप वेल बनोगे, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई ये बंदा चैम्पियन लीग वन का था, 3990 ट्रॉफी है इसकी, मैं हूँ 5300 के ऊपर। ओके, और ये बंदा 3990 पे है, ऑलमोस्ट 1300 ट्रॉफी के आसपास कम है मेरे से। ओके, 1300 ट्रॉफी कम है, मतलब कि वो कहाँ चैंपियन लीग में, मैं कहाँ लेजेंड लीग पे। आप लिख रहे हो, मैंने अभी तक ऐसा सुना है कि लेजेंड लीग वाले होते हैं जो 5100, 200, 300 वाले या फिर 5000 वाले, 5000 के ऊपर और 5300 के नीचे वाले, 400 के नीचे वाले, तो उनको क्या टाइटन लीग वन वाले ना वेल, मतलब कि उनके ऊपर ना टाइटन लीग वन वाले अटैक करते हैं और बड़ी बड़ी ऑफर ले जाते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइटन लीग टू वाले और भी खींच के चलो तो टाइटन लीग थ्री वाले, बट ये चैंपियन वन वाले भाई, मैं सुपर है तो मुझे ये लगा भाई सुपरसेल मजाक कर रही है क्या मेरे साथ, मतलब कि यस मुझे ऐसा लगा मजाक तो नहीं कर रही यार, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने ये दो बार पुशिंग की और मेरा जितना एक्सपीरियंस है कभी भी चैंपियन लीग वाले तो नहीं आते हैं लेजेंड लीग पे। कभी कभार बहुत ही कम परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर ऐसे अटैक होते हैं, चैंपियन लीग वन वाले लेजेंड लीग पे जाते हैं। सीधी बात है ना, टाइटन लीग वालों को वेल मिलती है, 50 की ऑफर मिलती है लेजेंड लीग पे। ओके, तो चैंपियन लीग वालों को तो मिलेगी ही ना। मैं चैलेंज देता हूँ 50 प्लस की ऑफर होगी मेरे पे, मुझे तो लग ही रहा है 19 ट्रॉफी माइनस हुई है 50% पे और चैंपियन लीग वन का बंदा है यार, मुझे इतना भाई मैं इतना मूड आउट हो गया ना मेरा। इवन चलो टाइटन लीग वाला आता तो चल भाई मैं खुश होता, चलो छोड़ो टाइटन लीग वाला, ये चैंपियन लीग वाले क्या कुछ क्लाउडिंग मिलती नहीं है। टाइटन लीग वन वाला या टू वाला आता तो चलो मैं सोचता क्लाउडिंग मिलती है उनको और हार्ड है ओके वो लीग पे रहने का, बट ये आया फोकट की वेल बन गई। इससे अच्छा मेरे पे ना कोई लेजेंड लीग वाला आता ना, ओके जो 5100 200 पे था या फिर टाइटन वन वाला, तो मैं खुश होता, चल भाई ये क्लाउडिंग वाला बदला है, मतलब कि ये क्लाउड फेस करता है तो इसको वेल मिले तो अच्छा है, बट छोड़ो अब क्या कह सकते हैं, मेरा इतना मूड आउट हो गया उस दिन। अब बात करती है मेरे गुड लक के बारे में, तो यहाँ पे मेरी देखो ऑल टाइम बेस 5383 है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं एक घंटे से क्लाउड पे था। ओके, राइट वन आवर से और मुझे ये ऑफर मिली 34। ओके, 70% पे 34, ये ऑफर कितने की है बताए, 51 की ऑफर है ये। यस, आपने थंबनेल में जो देखा ना ये इसकी ऑफर है, 51 की ऑफर है और मैंने 34 ली। मुझे कोई गिल्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को 45-40 अब चाहिए थी। ओके, 34 आई वो भी बहुत है मेरे लिए, इतना ही नहीं। ओके, चलो ये 34 तो मैंने ले ली। ओके, खुश हो गया, ये बंदा 6000 पे है, 5900 पे है। ओके, ये मैंने ले ली। अब मेरा पीबी का टाइम आ गया, पर्सनल ब्रेक, मैं क्लाउडिंग पे था और तुरंत ही पर्सनल ब्रेक आ गया, अटैक सर्चिंग का क्लोज हो गया, मैंने गेम बंद कर दी। ओके, मैंने सोचा ये भगवान क्लाउड मेरे पे वेल ना है ना तो अच्छा है। ओके, या फिर माइनस हो ना तो 5-10-15 हो माइनस, ओके 15 के आसपास हो, उससे ज़्यादा ना हो। मैं ऑफलाइन गया, जब मैंने ओपन किया तो ये देखा क्या नसीब है भाई भाई बंदा 4977। ओके, फिर से मैं वेल बना। ओके, क्योंकि ये बंदा लेजेंड लीग वाला नहीं है, टाइटन लीग वाला है। ओके, और इसकी 9 ही माइनस हुई है। ओके, अब ये मेरे से आगे होता ट्रॉफी में, ओके तो ज्यादा माइनस होती, बट ये मेरे से पीछे ट्रॉफी में तो कम माइनस होती है। अब मुझे पता है जहां तक मेरा अटैक लॉग में, मे बी मैं आपको बताता हूँ, नहीं है वो अटैक, बाकी मैंने मेरी भी इतनी माइनस हुई थी उस टाइम पे, मेरे को ना 38 की ऑफर मिली थी। ओके, तब मेरी ना 8 या 9 माइनस हुई थी 38 की ऑफर में, मैं हार गया था वो अटैक, तब मेरी 8 या 9 माइनस हुई थी। सेम टू सेम इसका ऐसा ही है, फिर से मैं वेल बनाऊँ फिर से अगेन, और ये वो वेल ले नहीं पाया और हार गया और 9 ट्रॉफी मेरी प्लस हुई मेरे को मिली और उसकी 9 माइनस हुई। हुआ क्या देखो, बंदा यहाँ पे घुसा, ये डेथ जोन है, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो जोन है ना ये पूरा,
यहाँ से लेकर ये गोल्ड स्टोरेज से लेके यहाँ तक, ओके, और ये एलेक्सर डार्क एलेक्सर स्टोरेज से लेके यहाँ पर ये लैब तक, ये पूरा देश जोन है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे वो चीज़ होती है ट्रैप वगैरह, और यहाँ पे सीसी भी बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो उसने जाइंट रखे, उसके पीछे वीच रखी, ओके, 7000 डार्क लूट है मेरे पे, ओके, मेरे पे 7000 डार्क लूट है। डार्क तो चलो फूल ही लेता है तो डार्क की मुझे कोई पड़ी नहीं है, बट इसने यहाँ पे जाइंट रखा, देखो जाइंट तो सबके सब मर गए, उसको फ्री स्पेल डालना पड़ा है यहाँ पे, वरना उसको पता है उसके जो जायंट है वो लून्स खत्म कर देते, अभी जो जिंदा है ना उतने भी जिंदा ना रहते। देखो यहाँ पर लो आगे के जायंट तो खत्म हो गए, रहे पीछे के 3-4 जायंट, ओके, यहाँ पर आया ये जायंट बॉम्ब, ओके, तो यहाँ पर पहले तो जायंट बॉम्ब ने बहुत तबाही मचाई। अब यहाँ पे देखो दो दो साइड ट्रूप चले गए, एक आस इस साइड एक इस साइड, यहाँ पर फिर से जायंट बॉम्ब आया, फिर से विच को इफेक्ट पड़ी, यहाँ पे देखो हीलर बची नहीं है, हीलर खत्म, फिर से इसने यहाँ पे जायंट उतारे। अब इसमें उसको प्लस पॉइंट क्या पता है, मैंने सबके सब हीरो स्लिप पे रखे थे, देखो ये स्लिप पे है, स्लिप पे है, और ये भी स्लिप पे है, मैंने ना रखे नहीं था बिकॉज मुझे फिर से क्लाउडिंग पे जाना था, मेरी आर्मी रेडी थी, ये डिफेंस के बाद मैं फिर से क्लाउडिंग पे जाने वाला था, तो मैंने सोचा भाई हीरो को क्यों मैं डैमेज करवाऊँ, फिर से वो सोने लगेंगे तो और टाइम लेंगे, ओके, हील होने में, तो मैंने स्लिप रखे, तो भी इसको वो भी एक बेनिफिट था, ओके, तो भी ये नहीं कर पाया। यहाँ से घुसना ही नहीं है ये बेस में ना, पता ही नहीं चलता कहाँ से घुसे, मैं खुद सोच ढूंढता हूँ कि भाई कहाँ से घुसना, कहाँ से मुझे पता ही नहीं चलता। पहली बार ऐसा हुआ है जो लेजेंड लीग में मैं डिफेंस जीता हूँ, लास्ट टाइम जब पहली बार भी लेजेंड लीग हिट की थी तब मैं नहीं जीता था डिफेंस, इस बार मैं फाइनली डिफेंस जीता हूँ और भाई बहुत खुशी हुई, भले नौ ट्रॉफी मिली बट ये नौ ट्रॉफी खुशी मुझे बहुत हुई भाई, बहुत मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। एक बार आप लोगों की जब होगी ना लेजेंड लीग में ट्रॉफी, मतलब कि प्लस होगी ना डिफेंस में, बहुत बहुत खुश हो गया आप भाई। मतलब कि मैं तो अभी जस्ट देखो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ, ओके, अटैक दोनों के अटैक बताता हूँ। देखो ये मैंने 19 मिनट पहले मैंने अटैक किया, ओके, और 34 ली, और ये देखो 11 मिनट पहले मेरे पे अटैक हुआ और मैं जीता, ओके, वो हार गया। बहुत ही क्लोज टाइम है, बहुत ही कम टाइम में मैं इतनी ट्रॉफी मिली, अटैक भी मेरे को वेल मिली और डिफेंस भी मैं जीता, और वो भी मैं वेल बना था और वो डिफेंस जीता, ओके, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, और बस क्या बताऊँ, मजा आ गया एकदम। वो जो बैड लक था ना वो मेरे पे 20 ट्रॉफी माइनस लेके गया था 50% में, वो यहाँ पे पूरा मतलब कि मैं खुश हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें आप मुझे बताइए कि भाई आपको अब तक सबसे बड़ी वेल कितनी मिली है, कोई भी ट्रॉफी पे, ओके, कोई भी लीग पे हो, वॉट एवर, सबसे बड़ी ऑफर आपको कितनी मिली है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है, ये वेल अच्छी लगी है, मेरा डिफेंस जीता वो डिफेंस अच्छा लगा है, ओके, तो लाइक कर देना, ओके। चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खेलते रहिए, द क्लैश ऑफ क्लैंस। Jagger, 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 jagger